पार्ट टू, ये रिव्यू है बोट एयरडॉप्स 441 का। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन में जाइए, मैं लिंक दे दे रहा हूँ वहाँ पे, बिल्कुल देखिए, बताइए कैसा लगा आपको। गाइज इसके ये अभी हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं, अभी इसमें हम देखेंगे कंट्रोल्स, माइक टेस्ट, कॉल क्वालिटी और एक दो कुछ थोड़ा इश्यूज़ हैं, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक ही इश्यूज़ है, और एक ब्रीफ में बताऊंगा कि ये सूटेबल आपके लिए है। चलिए फिर बने रहिए, आगे देखते रहिए। गाइज तो हम आ गए हैं अभी अपने NCS के पेज पे, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि काम कैसे करते हैं इसका, टच कंट्रोल्स। और गाइज देखिए ये ऐसा फिट है, स्नगली फिट है, अच्छा फिट है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा दोनों में अच्छे तरीके से फिट है, कॉम्पैक्ट फिट है। ओके और मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, यहाँ पे सिंगल टैप करेंगे आप तो प्ले होगा, प्ले पॉज होगा, डबल टैप करेंगे तो प्रीवियस ट्रैक जाएगा, और लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपका 2 सेकंड के लिए अगर प्रेस करेंगे तो आपका वॉइस असिस्टेंट आएगा। यहाँ पे सिंगल क्लिक में प्ले पॉज है, डबल में नेक्स्ट ट्रैक है, और 2 सेकंड तक प्रेस करेंगे तो आपका वॉइस असिस्टेंट है। अब गाइज चलिए इसका टच कंट्रोल चेक कर लेते हैं, हम अब चलते हैं अपने NCS के पेज पे। तो गाइज अभी मैं इसको चालू करूँ, ओके यहाँ पे गाइज मैं टाइप करूँगा सिंगल तो प्ले पॉज होगा, अभी चालू है, देखिए पॉज हो गया। अब मैं डबल टैप कर रहा हूँ, ये यहाँ पे जाएगा, डबल टैप करो प्रीवियस ट्रैक में जाएगा, देखिए यहाँ पे आ गया, इसमें आ गया। अब गाइज मैं पॉज कर रहा हूँ, पॉज हो गया, अब ये नीचे आना चाहिए, यहाँ पे आएगा, ये देखिए नेक्स्ट ट्रैक में आ गया। अब 2 सेकंड के लिए मैं प्रेस करूँगा, वॉइस असिस्टेंट होगा, ये देखिए गाइज वॉइस असिस्टेंट आ गया, बैक करते, अब इसमें चेक करते वॉइस असिस्टेंट, ये देखिए गाइज तुरंत आ जाता है, टच कंट्रोल फ्लॉलेसली काम करते हैं। गाइज चलिए अभी इसका लेटेंसी चेक करते हैं, कितना लेटेंसी है, मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ, नेग्लिजिबल है गाइज, लेकिन स्लो मोशन में पता चलेगा। है गाइस लाएगा गाइस, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा ये ईयरफोन्स गेमिंग के लिए लायक है इसमें, अगर आप BGMI खेलते हैं तो बिल्कुल आप मत खेलिएगा, ये गेमिंग के लिए नहीं है। सो गाइस अभी चलते हैं नेक्स्ट पे, अब हम कॉल क्वालिटी चेक करते हैं, मैं बाहर रहूँगा आपको वीडियो भी दिखा रहा हूँ, और कॉल क्वालिटी भी अपन चेक करते हैं कैसा रहता है। सो गाइस मैं आ गया हूँ इसका माइक टेस्ट के लिए, बीच स्क्वायर में हूँ, और ये आप जैसे देख सकते हैं मेरे कान में लगा हुआ है एयरडॉप्स 441 बोट की तरफ से, इसका माइक टेस्ट हम कर रहे हैं, क्योंकि हम बीच स्क्वायर में है, मेरे लगभग स्क्वायर जरूरी है, और कैसा साउंड कर रहा है आपको बताइएगा। फिलहाल तो मैं तो यहाँ पे अभी गाड़ी चला के भी देखूँगा जैसे इसका आता है, कॉल क्वालिटी भी चेक करते हैं आप। अभी फिलहाल तो इससे जो रिकॉर्ड हो रहा है वॉइस इसी से रिकॉर्ड हो रहा है, इसीलिए माइक्रोफोन से, तो भाई गाइस बताइएगा सुनकर, कमेंट भी करिएगा, तब तक मैं कॉल क्वालिटी चेक करता हूँ, फिर आपको सुनाता भी, फिर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है चलते फिर। सो गाइस मैं ड्राइव करने वाला हूँ, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, देखते कैसे काम करें, और विंड का नॉइज भी जो करेंगे कितना होगा, मेरे ऐसे नहीं आएगा कि जिस टाइम नहीं है जैसे कि दूसरे लोग कहता है, ये इन ईयर काफी फिट है तो विंड नॉइज को कम नहीं आएगा। हॉर्न बजाता हूँ इस वर्ष जो कॉल क्वालिटी टेस्ट का बोट एयरडॉप्स 441 आपको बताइएगा सर कि आपको यहाँ पर कैसा चाहिए। गाइस अभी मैंने कॉल क्वालिटी चेक किया, माइक टेस्ट भी किया, विंड नॉइज़ बहुत है, मैं सोचा नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि मेरे को इतने विंड नॉइज़ आ नहीं रहे थे, लेकिन विंड नॉइज़ काफ़ी आ रहे थे, और ये वाइल्ड ड्राइविंग तो नहीं है, अगर आप स्टडी हैं रूम में चल रहे हैं तब ठीक है, लेकिन आप गाड़ी चलाते समय नहीं चला सकते, जैसे मैं एज यूजल आपको थोड़ा जुगाड़ बताता हूँ कि आप इतना फेस कवर कर लीजिए स्टॉल से, सब सही हो जाएगा, बस हवा बस नहीं आना चाहिए, बाकी सब तो सही था, माइक भी अच्छा है बाहर में, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, उतना नहीं आ रहा था, लेकिन हाई नॉइज़ को कोई भी ईयरफोन फिल्टर नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं बीच बीच में बोल भी रहा था लेकिन वॉइस नहीं पकड़ पाया, क्योंकि मेरा स्पीड ज्यादा भी नहीं था, 40 to 60 के बीच में ही था, तो उसमें वो माइक कैच नहीं कर पा रहा था वॉइस, जैसे मैं धीरे कर रहा था तभी कैच किया था, इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करता ये वाइल ड्राइविंग, ओके ये ईयरफोन्स। और हाँ गाइस मैं थोड़ा गलती कर दिया था, मेरे को माइक लग रहा था कि ये दो दो ठोके पर ईयरबड पर, गाइस यही माइक है, यही है ये जो दिख रहा है आपको, यही माइक है दोनों में, दो ये एक एक ईयरफोन, एक ईयरफोन में एक ही माइक है, मतलब दोनों अलग अलग है, तो गाइस ऑब्वियस ही बात है तो विंड नॉइज़ आना ही है, क्योंकि हम अगर ऐसा पहनते हैं, ऐसा पहनते हैं तो ये नीचे का भाग है, तो नीचे के भाग में आना ही है वो विंड नॉइज़, तो इसलिए थोड़ा कवर कर लीजिएगा, थोड़ी इश्यूज़ है, चलेगा फिर काम चला लेंगे अपन, ठीक है ना, चलिए
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। गाइस अभी टच कंट्रोल के बारे में आपको बता देता हूँ। गाइस जैसे कॉल आता है और ये आपके ईयर से कनेक्टेड है, ब्लूटूथ से कनेक्टेड है, आप इसको सिंगल टैप करिए, कोई भी ईयरबड्स को आप सिंगल टैप करिए, कॉल रिसीव हो जाएगा। और अगर आपको कॉल रिजेक्ट करना है तो 2 सेकंड तक आपको प्रेस करके रखना पड़ेगा, कॉल रिजेक्ट हो जाए, किसी को भी, दोनों में से किसी को भी आपको 2 सेकंड तक प्रेस करके रखिए तो हो जाएगा। और अगर आपको सिंगल यूज़ करना है, जैसे केस बंद है और आपको मोबाइल से ये कनेक्टेड नहीं है और जैसे आप खोलेंगे तो कनेक्ट हो जाएगा, ऐसे कनेक्ट होते ही आप ये निकाल के कान में लगा लीजिए, तो एक भी वर्क कर सकता है और दो भी वर्क कर सकता है, मोनो मोड भी काम हो जाएगा, ठीक है। और गाइस अगर आपको वॉइस असिस्टेंट चाहिए, वॉइस असिस्टेंट चाहिए तो आपको ये इसको किसी भी ईयरफोन्स को 2 सेकंड तक टच करके रखना पड़ेगा। और अगर आपको मैनुअली ऑफ करना है, मैनुअली ऑफ करना है तो किसी भी ईयरफोन्स को आप 5 सेकंड तक टच करके रखिए ईयरबड्स को, और 5 सेकंड तक के बाद आपको एक टोन आएगा जो थोड़ा डाउन टोन आएगा कि ऑफ हो गया करके। तो अगर आपको ऑन करना है मैनुअली तो 3 सेकंड किसी को भी, 3 सेकंड किसी को भी आप टच करके रखिए, वो चल हो जाए। और गाइस थोड़ा जो एक और इशू की बात है, वो कभी कभी ऐसा रहता है कि एक ईयरफोन कनेक्ट होता है, एक ईयरफोन कनेक्ट नहीं होता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप पहले फ़ोन का ब्लूटूथ चालू करिए, फिर इसको खोलिएगा, है ना, तुरंत कनेक्ट होगा, उसके बाद ही ईयरफोन्स को निकालिएगा। आप जैसे जैसे कनेक्ट कर जाएंगे तो आपको टोन आता जाएगा, अगर आपको कान में टोन नहीं आया तो आप समझ जाइए अगर इसमें टोन आया और इसमें टोन नहीं आया तो ये नहीं चालू हुआ, ऐसा है। तो पहले आप ब्लूटूथ से फ़ोन का ब्लूटूथ चालू करिए, फिर खोलिए, जैसे कनेक्ट हो जाए उसके बाद इसको निकालिए, तब सही तरीके से होगा, थोड़ा मिसमैच हो जाता है। और वैसे अगर इसको आपको फैक्ट्री रीसेट करना है तो 3 बार टैप करेंगे, ओके, और ये ब्लिंक ऐसा होगा जैसा अभी आपको दिख रहा है, और ये ग्रीन और ब्लू में ब्लिंक होगा जैसे आपको दिखाई दिया अभी, ये हो गया फैक्ट्री रीसेट। फिर आपको अभी फ़ोन में अगर कनेक्ट करना है तो आपको सर्च करके पेयर करना पड़ेगा, और ये गाइस बोट एयरडोप्स 441 रीसेट हो गया। सो गाइस दिस वाज इट, ये था मेरे तरफ से बोट एयरडोप 441 का रिव्यू। मैंने कोशिश किया हर एक पॉइंट कवर अप करने की, शायद कुछ छूटे तो बता दीजिए कमेंट में कि मैंने क्या कवर अप नहीं किया। फिलहाल तो मैंने हर एक चीज़ कोशिश करी, अच्छे से दिखाने की कोशिश करी। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद है और अभी आपने सेकंड पार्ट भी देखा है, दोनों पार्ट देखा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ओके। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करिएगा, कोशिश करूँगा कि और इम्प्रूव कर सकूँ। कमेंट ज़रूर करिएगा क्या पसंद आया क्या पसंद नहीं आया। सो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर गाइस।